Hey, welcome. I am Niyamat Ali Mondol, CNC machine, laser machine operator, professional cradle door designer. कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे से होंगे। आज आपको बताएंगे लेज़र कटिंग का द्वारा ऐसे जाली को कैसे ड्राइंग करते हैं क्रोल ड्रो का अंदर। आपने देखा होगा काफ़ी सारा जाली जो लेज़र मशीन या वुड कटिंग के द्वारा कटिंग किया जाता है, तो ऐसे डिज़ाइन को इसका तरीका क्या है तो आपको बताएंगे क्रोल ड्रो का अंदर कैसे क्रिएट करते हैं। और ये दीपावली आ रहा है तो मैंने मेरा जो कोर्स है कुछ डिस्काउंट दिया है, तो आप लोग मेरा कोर्स को देख सकते हो। जितना भी लोग मेरा सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया हुआ है, कोरल ड्रॉ कोर्स पे जाओ, स्टोर पे जाने के बाद आपको कोरल ड्रॉ कोर्स मिलेगा, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो आप देख सकते हो का अभी ऑफर चल रहा है, तो आप कोर्स को परचेस करके ऐसे डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए दिखाते हैं इसको कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर दूंगा। ओके, देखो पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ये डिज़ाइन कैसे किस तरह का किया हुआ है, ठीक है। आप अगर चारों तरफ देखोगे ना, देखो गोल सर्कल जैसा है, उसके अंदर क्या हुआ है, देखो आप अगर यहाँ पे देखोगे, एक सर्कल ले लो, आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हो, अब जहाँ पर ही इसको क्लिक रखो, देखो जहाँ पर रहोगे देखो सर्किल का अंदर ही है, ठीक है। जितना भी तो इसका फॉर्मूला यही है, आपको सर्किल लेना है, उसके बाद आपको ड्राइंग करना है। ओके, तो मैंने ये सर्किल ले लिया। ओके, मान लो इसको ले लिया, इसको एक वैल्यू 7 नहीं, चलो 8 रखते हैं। ओके, दोनों तरफ 8 है। अभी उसके बाद ये जो प्रदीप है ना, आपको इसको ड्राइंग करना है। ओके, तो प्रदीप को कैसे ड्राइंग किया जाता है, 3 पॉइंट कॉप टूल ले लो, कंट्रोल को प्रेस करके सीधा आएगा, फिर कंट्रोल को छोड़ दिया, कुछ इस तरह का ले लो पहले। ओके, फिर कंट्रोल को प्रेस करके राइट क्लिक कर दिया, देखो दोनों इसको जोड़ देंगे कॉम्बाइन करके, शेप टूल ले लो, ज्वाइन कर दो, इसको भी ज्वाइन कर दो, ठीक है। इसको डबल क्लिक करके हटा दो, देखो कुछ प्रदीप का जैसा हो गया। ओके, कितना आसान है, मेरा कोर्स का अंदर ये सब चीज़ बताया हुआ है कि कैसे कैसे इसको ड्राइंग करते हैं ना, आपको सब नॉलेज मिलेगा। फिर इसको छोटा करते हैं। ओके, जैसे चाहिए हम लोगों को, देख लेते हैं। अच्छा, इसको जो एंड मिली होगा ना, देखो ये तो एक्चुअली काटिंग है ना, तो इसका ड्रिल कितने एम का होगा, चलो मैं यहाँ पे छोटा रखेंगे, आपको अगर जो वुड काटिंग है वो तो काफ़ी बड़ा होगा, तो मैं यहाँ पे दिखाने के लिए इसमें छोटा ही नॉर्मल 5 mm रखते हैं। ओके, मिड पॉइंट पर रख दिया। अच्छा, इसको राउंड कर लेते हैं। ओके, ये जो सर्किल है इसका वैल्यू 0.01 करते हैं, पतल देगा, और इसको कलर भी चेंज करते हैं। ओके, रेड रखते हैं। यहाँ पे जो इसका वैल्यू है कम कर देते हैं। ओके, ये सही है, सर्कल का अंदर है। ओके, अभी आपको क्या करना है, इसको और एक बार क्लिक करो, यहाँ का जो मिड पॉइंट है, देखो सर्कल जो पॉइंट है ना, इसको सेंटर पे रखो, वहाँ से उठा के सेंटर पे है। अभी आपको क्या करना है, कंट्रोल को प्रेस करो, ठीक है, देखो इसका 90 डिग्री पे आ चुका है, आर प्रेस करो, आर, ओके, आर फॉर राइट, आर प्रेस करो, हो गया। आप देख सकते हो अभी इस दोनों उल्टा है ना, तो आपको इधर उल्टा कर देना है, देखो किसी को, चाहे इसको इसको नहीं तो ऊपर किसी को, दोनों दो तरफ आपको उल्टा कर देना है। इधर भी देखो हो गया, देखो कुछ ऐसा शेप। चलो इसको थोड़ा और भी बड़ा कर लेते हैं। ओके, टोटल रखते इसको 12। ओके, ये हो गया। अभी देखो इसका बीच में देखो लाइन है ना, तो आपको लाइन को लेना है।
अभी आपको इसको कॉपी करना है और इसका कुछ फॉर्मूला है, आपको उसके हिसाब से आपको आसानी से कॉपी करना है, वही मेन चीज़ है। तो इसको सिलेक्ट कर लिया देखो, ओके, सिलेक्ट करके मैंने कॉपी कर लिया, ओके। ये मान लो ये भाग है, ठीक है, ये देखो इसको नीचे क्रिएट करना है आपको, यहाँ पे 90 डिग्री देना है, ओके। ये बेसिकली ना जो लेज़र का है, वुड का, वुड पे ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है ऐसे डिज़ाइन। इस पर एक ध्यान दीजिए, पहले एक था, अभी मैंने और एक इसके ऊपर ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, तो यानी डबल हो चुका है। आपको एक को डिलीट करना है, ओके, देख सकते हो आप, देखो अभी भी एक एक है, डबल क्लिक किया डिलीट हो गया, ओके। अभी इसका देखो और कॉपी नहीं है, ठीक है। फिर से मैंने इसको सिलेक्ट किया, ओके, कॉपी कर लिया, इसको भी सेम प्रोसेस 90 डिग्री दे दिया, ठीक है। इसका जहाँ पे मिड पॉइंट है, देखो मिड पॉइंट से लेके मिड पॉइंट पे लेके आ जाओ, ओके। सेम टू सेम इसके ऊपर भी एक था और एक हो चुका है डबल, अब डिलीट करो देखो, ठीक है। फिर से देख सकते हो सिंगल है अभी, ओके। ऐसे देख लो तो आपका भी तसल्ली हो जाएगा। अभी इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है, ये तो हो चुका है। अभी देखो ध्यान से, सारे को सिलेक्ट करके मैं अगर इसको देखो यहाँ पे रखूँगा ना, देखो देख सकते हो, तो ये है फॉर्मूला। तो आपको यहाँ से लेके देखो ये प्रदीप है, ये डिस्टेंस से लेके इसका डिस्टेंस कितना mm है, या आप अगर इंच पे कर रहे हो तो आपको उस पे जाना है। तो आप देख लो इसका डिस्टेंस क्या है, मैंने कहाँ से लिया, देखो यहाँ से था इसका उठा पे इसका ऊपर रखा ना, तो ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, आपको वो हिसाब लगाना है। इसको मैं डिलीट करता हूँ, कैसे देखना है, 2.9 ले लो, ओके। नोट से लेके नोट से कितना, 13.365, ओके कर दो, ओके। कितना है, 13.365, परफेक्ट है, ओके। तो देख लिया डिस्टेंस पॉइंट कितना है, और जितना इधर से लेकर यहाँ जितना है ना, ये ऊपर से इतना ही होगा, क्योंकि आप सर्किल का अंदर ये बना हुआ है, ओके, दोनों तरफ सेम रहेगा। तो डिस्टेंस पे आपको कितना देना है, 13.365, ओके। अभी देखो सारे मैंने सिलेक्ट कर लिया, ओके, प्लस को दबाया, कॉपी कर लिया, देखो। उसके बाद एक चीज़ इसमें देखो, यहाँ पे जो था ना, ये इसके ऊपर आ चुका है, यानी ये डबल हो चुका है, ठीक है। और बाद में जब मैं इसको नीचे तरह कॉपी करूँगा तो इसका ऊपर भी डबल होगा, ठीक है। तो आपको ये ऑब्जेक्ट कर्व और इसको देखो, दोनों प्रदीप को आपको डिलीट करना है। आप देख सकते हो इधर वाला जो था ना, इसको ऊपर आ चुका है, यानी डबल हो चुका है, देखो। और सेम टू सेम इधर भी वही होगा, ओके। तो आपको ये डिलीट कर दिया, ये दोनों को डिलीट कर लेना है। डिलीट कैसे करना है, इसको डायरेक्ट काट लो, ओके। सर्किल काट जाए कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी चलो अच्छा लगेगा, अभी बाद में ही काट देंगे उसको। डिलीट कर लिया, डिलीट करने का काफ़ी तरीका है, अभी देख लेते हैं एक बार। सारे को सिलेक्ट करो, ओके, अभी देखते हैं, प्लस दबाओ, देखो सही है, ओके, परफेक्ट है। जितना चाहिए आपका जाली, जितने में आपका चौड़ाई पे है आप कर सकते हो उतना, ओके। अभी आपको नीचे तरह आना है, ओके, चलो ऊपर, चलो हो गया, ओके। सेम टू सेम प्लस दबाओ, यानी कॉपी कर लो, सेम टू सेम देखो, आप कंट्रोल डी कर सकते हो, सबसे आसान है, देखो, ओके। आपको जहाँ तक चाहिए वहाँ तक कर सकते हो, जितना भी देखो सर्किल है ना, इसके लिए मैंने सर्किल का अलग से एक लेयर लिया था, इसको जब मैं डिलीट कर दूंगा सारे सर्किल डिलीट हो जाएगा, देखो, ओके। काफ़ी ज़्यादा सर्किल था, इसके लिए ऐसे हैंग हुआ।
तो अभी आपको बॉक्स लेना है, कितने एम का होगा ये, ठीक है? आपका जो माप है मान लो, क्योंकि कॉम्बाइन नहीं है तो आप जितना डिलीट करना है इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो आराम से। ओके देखो, ठीक है, ये डिज़ाइन देखो कंप्लीट हो चुका है। आपको बताया इसका तरीका क्या है, शायद ये वीडियो देख के आप लोग काफ़ी कुछ सीख चुके होंगे, और आने वाला दिनों पे ऐसा काफ़ी वीडियो अपलोड करूँगा। तो आज का लिए था यही वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो का अंदर, तब तक आप अच्छे रहो और खुश रहो।